हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रीति। आज पढ़ेंगे हम मैथ और टिग्नोमेट्री फंक्शन इन एक्सेल। मैथ और टिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं आपके एक्सेल में, देखिएगा स्क्रीन पे। यहाँ पर शो रहा है सबसे पहले एबीएस फंक्शन आपका, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी किसी भी नंबर के साथ कोई सिंबल है आपका माइनस प्लस, तो उसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू में जब आप कन्वर्ट करेंगे तो सिंबल को रिमूव करा देगा। तो आप इसको हम करते हैं यहाँ पर, देखिए मैंने यहाँ पर टाइप करा इक्वल टू ABS, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ब्रैकेट स्टार्ट किया। इसके बाद मैंने एक वैल्यू -51.0 सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज किया। देखिए डेसिमल वाला पोर्शन भी रिमूव करा दिया इसने, प्लस सिंबल भी, यानी आपका एक जनरल फॉर्मेट में एक नंबर को लिखोगे तो इस तरीके से, विदाउट एनी सिंबल, एनी करेंसी, एनी फॉर्मेट, सभी फॉर्मेट को भी हटा देता है आपका ये। यानी जनरली इस नंबर को हम किस एब्सोल्यूट वैल्यू में इस तरीके से आपका शो होगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का, मैंने यहाँ टाइप करा इक्वल टू ABS एब्सोल्यूट वैल्यू। अब इस नंबर को सिलेक्ट किया, इसमें करेंसी का सिंबल और डेसिमल के कितने पॉइंट तक है, यहाँ पर 2.00 है, और यहाँ पर एक क्या लगा हुआ है सेपरेटर, यानी ये 12,500 है तो यहाँ पर एक कॉमा लगा के 12,000 है और ये पीछे 500। एंटर कर दीजिएगा ब्रैकेट क्लोज करने के बाद, एंटर। ये देखिएगा करेंसी का सिंबल रिमूव, सेपरेटर रिमूव, देन आपका डेसिमल पोर्शन रिमूव, यानी आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी इस नंबर की, इस तरीके से। नेक्स्ट आपका फंक्शन है इसी में सीलिंग। सीलिंग के अंदर क्या आता है, यानी एक नंबर को आपको राउंड फिगर करना है और मल्टीपल जितना आप करना चाहे, पॉइंट 10 पैसे के मल्टीपल में, 20 पैसे के मल्टीपल में, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देती हूँ, यहाँ पर मैंने टाइप किया इक्वल टू सीलिंग, ये फंक्शन मेरा टाइप हो गया, ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस नंबर को, अभी ऑलरेडी डेसिमल के दो पॉइंट में, मुझे दो ही पॉइंट में चाहिए, कॉमा करके मैंने यहाँ पर क्या कर दिया 0.1। वन का मतलब वन के आगे जीरो लगाओगे तो 10 10 पैसे के राउंड ऑफ में, यानी 14.81 से लेकर 81 से लेकर 89 पैसे तक, ये 10 पैसे के राउंड ऑफ में इसको किस पे कन्वर्ट करेगा, 90 पैसे में। एंटर कर दीजिएगा, इतना समझ गए। अब देखिए मैं इस फिगर को चेंज कर रही हूँ, मैंने इसको चेंज करके कर दिया 82, तो भी ये, यानी आपने इसको 10 पैसे के मल्टीपल में कन्वर्ट करा, चाहे आप 81 पैसा डालें, यानी अगर 10 10 पैसे के हिसाब से देखते हैं, शुरू के 10 पैसे यानी 1 पैसे से लेकर 9 पैसे तक, यदि कोई भी नंबर है 14.01 से लेकर 09 तक, 9 पैसे तक 10 पैसे में कन्वर्ट कर देगा। 11 से लेकर 19 पैसे तक को 20 में, 10 10 के गैप में लिया है, यदि इसी को मैं 20 20 के गैप में लेती हूँ, जैसे अगला ही नंबर सेम है 14.86, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है डेसिमल के 2 पॉइंट तक, तो 1 पैसे से लेकर 19 पैसे तक ये किस में कन्वर्ट करेगा, 20 पैसे में, और 21 पैसे से लेकर अपना 39 पैसे तक 40 पैसे में, 86 है तो यानी 81 से लेकर कितना 99 पैसे तक किसमें कन्वर्ट कर देगा ये 15 में। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इक्वल टू सीलिंग, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट, नंबर जिसको राउंड ऑफ करना है इसको करना है, कॉमा लगाएंगे आप, इसके बाद कितने पैसे के तक राउंड ऑफ करना है, 0.20 लिख दीजिए या 0.2 लिख दीजिए, 20-20 पैसे के हमने यहाँ पर वो बनाने कि 1 पैसे से लेकर 19 पैसे तक 20 पैसा ही दिखाएगा, कुछ भी डाल दीजिए 14 के बाद, 21 पैसे से लेकर 39 पैसे तक 21 to 39 पैसा 40 पैसा, और यहाँ पर 81 से लेकर 99 पैसे तक को 15 में कन्वर्ट कर देगा, यानी नेक्स्ट नंबर आपका ये 20-20 के पैसे के अकॉर्डिंग इस तरीके से सीलिंग में आप कन्वर्ट करेंगे। अब इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका फ्लोर, ये भी काम यही करता है राउंड ऑफ, इसमें भी आप 10 पैसा 20 पैसा का मल्टीपल कर सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या वो मैं आपको यहाँ शो कराती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर दिया 14.96, पहले वाले फॉर्मूले में जैसे मैंने यदि 10 10 पैसे का गैप दिया हो तो 91 पैसा से लेकर 99 पैसे तक ये 15 रुपीज में कन्वर्ट करा देता, बट यहाँ पर मैंने लिया तो 10 पैसा ही है, 10 10 पैसे का गैप, बट फ्लोर में क्या करेगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, ऊपर वाले सीलिंग फॉर्मूले में नंबर को बढ़ा के दिखाता है और ये घटा के,
यानी 91 से लेकर 99 पैसे तक जो भी है उसको वो क्या 90 पैसे दिखाएगा। 81 पैसे से लेकर 89 पैसे तक जो है उसको 80 पैसे ही दिखाएगा। अब देखिए इसको कन्वर्ट करते हैं, इक्वल टू मैंने टाइप करा फ्लो, आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे जिस नंबर को राउंड ऑफ करना है ये, और कितना कितने गैप में करना है हमें 10 पैसे के गैप में, 0.10, यानी 1 पैसे से लेकर 9 पैसे तक है तो 0.0 कर देगा, 11 पैसे से लेकर 19 पैसे तक है तो 10 पैसे, इसको 10 के राउंड ऑफ में कर देगा। अब यहाँ पर आपका जो ये है 96 पैसे, तो यानी 91 से लेकर 99 पैसे तक इसको आगे की तरफ बढ़ाने की जगह पीछे की तरफ 10 के जो मल्टीपल, यानी 90 पैसे में कन्वर्ट कर देगा। इतना समझ गए। एक और एग्जांपल देखते हैं, इधर इक्वल टू फ्लोर ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ पर अगेन आपने एक नंबर सिलेक्ट करा, यहाँ पर हम 10 के मल्टीपल ना लेके 0.20, 20 का मल्टीपल लेते हैं, 20 20 पैसे के मल्टीपल में। अब एंटर कर दीजिएगा तो इसने कितना दिखा दिया, 80, यानी 81 पैसे से लेकर 99 पैसे तक 80 में कन्वर्ट करेगा, उससे पहले वाले 20 पैसे को वो 60 में कन्वर्ट करेगा। इतना समझ गए। अब इसी में नेक्स्ट फॉर्मूला आता है आपका इवन, यानी मेरे एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पर, मुझे इसे इवन नंबर में या किसी भी ओड नंबर को आपका उसका जो भी नेक्स्ट इवन नंबर आता है उसमें कन्वर्ट करना है, तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इवन इक्वल टू इवन ब्रैकेट स्टार्ट, आपने एक नंबर सिलेक्ट करा, ब्रैकेट किया क्लोज, कि 20.5 को आपको इवन नंबर में कन्वर्ट करना है, तो इसका नेक्स्ट जो नंबर होगा, 21 भी नहीं होता इवन, 21.5 भी नहीं होता, 22 ही होता, इसका नेक्स्ट जो इवन नंबर होगा उसको शो करा देगा। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर है उसको मुझे ओड नंबर में कन्वर्ट कराना है, तो आप क्या टाइप करेंगे, इक्वल टू ओड ब्रैकेट करेंगे स्टार, किस नंबर को, 20.5। अब इसका नेक्स्ट इवन नंबर क्या होगा, 21 इवन नंबर, सॉरी ऑड नंबर है आपका, ऑड नंबर में कन्वर्ट करना है तो 21 नेक्स्ट जो भी ओड नंबर होगा उसको ये शो करा देगा। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टोरियल। फैक्टोरियल क्या होता है, गुणन करनी, यानी 4 का फैक्टोरियल निकालना है 4 का, मान लीजिए मुझे 3 का फैक्टोरियल निकालना है, तो यानी आपका 3 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लीकेशन, यानी 1 से 3 का मल्टीप्लीकेशन, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6। अब 4 का करना है तो फैक्टोरियल इक्वल टू क्या टाइप करेंगे आप, फैक्ट, रिटर्न करेगा क्या, फैक्टोरियल, यानी 1 से लेकर 4 तक का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और 6 4 जा 20। एंटर कर दीजिएगा। इतना समझ गए। नेक्स्ट आता है इंट। इंट का मतलब होता है इंटीजर। मेरा ये एक नंबर है, नंबर भी है 5000, मेरा जनरल एक नंबर पॉइंट पर, इसमें डेसिमल पोर्शन भी है और रुपीस में भी, दोनों में, यानी पॉइंट वाले पोर्शन को यदि आपको रिमूव कराना है, यहाँ से हटाना है और रिटर्न करना है इंटीजर पोर्शन को, तो हम किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इंट का, इक्वल टू इंट, आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, आपने ये नंबर सिलेक्ट करा, ब्रैकेट क्या कर देंगे क्लोज, एंटर कर दीजिएगा, यानी डेसिमल वाले पोर्शन को यदि आपने रिमूव कराना है तो आप इंट नाम के फॉर्मूले से करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है मोड। मोड में क्या शो होगा आपका, रिमाइंडर। देखिए जैसे मैंने एक नंबर लिया यहाँ पर 11, 11 को मुझे डिवाइड करना है किससे, 2 से, तो 2 5 जा 10, 11 में से 10 के तो रिमाइंडर क्या बच गया, शेषफल क्या बचा, 1। यानी किसी भी नंबर को आप डिवाइड करते हो, किसी हम किसी नंबर को डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर या शेषफल बचेगा वो हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, मोड से। अब यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू मोड, ये ब्रैकेट स्टार्ट हो गई, मेरा जो नंबर या वैल्यू है वो क्या है, 11, कि मुझे 11 को डिवाइड करना है, किससे करना है, कॉमा करके 2 से डिवाइड करना है, तो आप 11 को डिवाइड करोगे 2 से, तो 2 5 जा 10, 11 में से 10 गया, रिमाइंडर क्या बचा, 1 आ गया ना आपका। इतना क्लियर है। पावर या आप कह सकते हैं हिंदी में घातांक, वो क्या होता है आपका, कि किसी नंबर को मुझे एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है यहाँ पर 6 की पावर 2, यानी 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार, 6 की पावर 3, 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे होगा, इक्वल टू सिंपली आप टाइप क्या करेंगे, पावर ब्रैकेट स्टार्ट, जिस नंबर की पावर निकालनी है
आपको रेस करनी है, रेस टू अ गिवन नंबर पावर, नंबर सिलेक्ट करा, बी 16 का मतलब मेरा नंबर क्या हो गया 6, कॉमा इसकी पावर कितनी 6 की पावर 2, यानी 6 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2, 5 लोगे तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दिखा देगा, एंटर कीजिए तो 6 6 जा 36, इतना समझ गए। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन, यदि आपको गुणा करना है तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, प्रोडक्ट। यहाँ पर मुझे प्रोडक्ट करना है कि इक्वल टू, मैंने टाइप करा फॉर्मूला, मेरा मैंने टाइप करा इक्वल टू प्रोडक्ट, ब्रैकेट स्टार्ट, ये मेरा आ गया नंबर, मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है, मान लीजिए मुझे 0.05 से मल्टीप्लाई करना है, एंटर कर दीजिएगा, जिस भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है तो वो दिखा देगा। यहाँ पर इसने किससे मल्टीप्लाई करा, 10 को मल्टीप्लाई करा इसने यहाँ पर 0.5 से, इक्वल टू मैंने अगेन टाइप करा मेरा फॉर्मूला, जो भी नंबर से आप मल्टीप्लाई करना चाहे, ये नंबर सिलेक्ट करा, मल्टीप्लाई 0.5, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, 10 × 0.5 कितना हो गया 5। अब इसी में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कौन सा फॉर्मूला, राउंड। राउंड में भी अलग, राउंड ही करेगा नंबर को, यानी कि स्पेसिफाइड लिमिट के अकॉर्डिंग करेगा। कैसे, जैसे कि मैंने एक नंबर लिया ये, इसको राउंड ऑफ करना है तो इक्वल टू मैंने लिखा राउंड, ब्रैकेट किया स्टार्ट, आपको उस नंबर को सिलेक्ट करना है जिसको आपको राउंड करना है, कॉमा, डेसिमल के कितने पोर्शन तक करना है, 2, डेसिमल के 2 पॉइंट तक करना है। अब डेसिमल के 2 पॉइंट क्या हो गए, 58 हो गया। जनरली इसमें रूल क्या होता है, यदि आपका जो ये पॉइंट का पोर्शन है 50 पैसा से अबव है या 50 पैसा है तो एक इसको एक में कन्वर्ट कर देगा, यानी 58 को क्या कर दिया इसने 59, उससे कम है तो उसको चेंज नहीं करेगा। अब देखिए दोबारा से पढ़ते हैं इसी को, इक्वल टू राउंड, ब्रैकेट स्टार्ट, आपने एक नंबर सिलेक्ट करा, कॉमा, डेसिमल के कितने पॉइंट तक, 2, 48 हो गया आपका। अब एंटर करोगे तो ये 50 पैसे से कम है तो इसको ये राउंड ऑफ नहीं करेगा, जैसा है 2 पोर्शन तक दिखा देगा, 50 पैसा या उससे अबव है तो उसको 1 रुपी में, 1 पैसे में आगे एक बढ़ाकर नंबर शो कर देगा। इतना क्लियर है, 1 में कन्वर्ट करेगा। अब इसी में पढ़ते हैं एक और, इक्वल टू राउंड, अब मैंने डेसिमल के 2 पॉइंट तक लिया, मैं 1 तक भी ले सकती हूँ, मैंने इस नंबर को सिलेक्ट करा, कॉमा लगाया, डेसिमल के 2 पॉइंट तक ना लेकर डेसिमल के कितने प्लेस तक, ओनली 1 प्लेस तक, एंटर कीजिएगा तो 1 प्लेस 1 आ गया। और यहाँ पर 50 से अबव है, 58 है तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, नेक्स्ट में, 589 है आपका तो इसको नेक्स्ट 12.60 राउंड ऑफ कन्वर्ट कर देगा। इतना समझ गए। यदि मुझे किसी की वैल्यू को बढ़ाकर दिखाना है, कहीं पर भी मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे सबकी वैल्यू बढ़ाकर दिखानी तो राउंड अप का यूज करेंगे, वैल्यू कम करके दिखानी तो राउंड डाउन। अब इतना तो जनरल एक रूल है कि 50 पैसे या उससे ऊपर है तो 1 रुपए में कन्वर्ट हो जाए, और उससे कम है तो वो आपका कन्वर्ट नहीं होगा, पॉइंट वाले पोर्शन को जो है वही रहेगा। बट यहाँ पर नया रूल है, अगर मुझे किसी की वैल्यू को बढ़ाकर दिखाना है तो मैं किस फॉर्मूले का यूज करूंगी, इक्वल टू राउंड अप। यहाँ पर है 10.24, यानी मेरा कन्वर्ट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, डेसिमल के कितने पॉइंट तक, 2 पॉइंट तक। अब राउंड अप है तो इसकी वैल्यू को ये बढ़ाकर दिखाएगा, चाहे वो 50 पैसे से अबव हो या कम हो, उसको बढ़ाकर दिखाएगा। यानी इसने 24 को क्या कर दिया, 25 पैसा। किसी की वैल्यू को कम करके दिखाना है तो हम किसका यूज करेंगे, राउंड डाउन का, ब्रैकेट स्टार्ट, आपने यहाँ पर एक नंबर सिलेक्ट करा, इस नंबर को मुझे कम करके दिखाना है, कॉमा, डेसिमल के कितने पॉइंट तक, 0.25 है तो जो था वही रहने दिया, ना इसने बढ़ाया ना घटाया, क्योंकि 50 पैसे से अबव ये, यानी एग्जैक्टली वही रह जाएगा, इसमें ये बढ़ा देगा इसमें। अब इसमें अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, मैं इसमें कर देती हूँ 99 पैसे, इक्वलेंट टू क्या होता है, इक्वलेंट टू 1 रुपी हो गया ना, 1 पैसा ही तो कम है, तो लेकिन ये उसको बढ़ाएगा नहीं, उस केस में एज इट इज रख देगा,
ठीक है, यानी राउंड डाउन के कम वैल्यू करने के लिए। तो इसको हम जैसा क्वेश्चन था इसको हम वैसे ही कर देते हैं। इसी में आता है ट्रंकेट। ट्रंकेट इज सिमिलर टू इंट, जैसे कि आपने ट्रंकेट फॉर्मूला, इंट के अंदर डेसिमल के पोर्शन को रिमूव करा, इसके अंदर हम डेसिमल को खाली ट्रंकेट में डेसिमल के प्लेस नहीं देते तो रिमूव कर देगा ये इंट की तरह, अगर प्लेसेस देंगे तो प्लेसेस में शो करेगा। आपने यहाँ पर लिखा ट्रंक, ब्रैकेट स्टार्ट, इस नंबर को हमें ट्रंकेट करना है कितनी नंबर ऑफ डिजिट में, टू। अगर आप इसमें टू नहीं लगाएंगे तो देखिए क्या होगा, एफ टू कीजिए, मैंने सिर्फ नंबर को सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर, यानी डेसिमल पोर्शन को क्या कर दिया इसने, हटाई दिया इंट की तरह। अगर आप डेसिमल पोर्शन देंगे तो जितने पॉइंट आपको चाहिए उतने पॉइंट यहाँ पर डेसिमल के शो करेगा। स्क्वायर रूट यानी आपको स्क्वायर निकालना, जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर लिया फोर, किसका स्क्वायर है, टू का स्क्वायर, यानी टू इंटू टू, दो को दो बार मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा फोर, नाइन किसका स्क्वायर है थ्री का, तो आपको स्क्वायर रूट निकालना, तो आप क्या टाइप करेंगे, इक्वल टू एस क्यू आर टी, ब्रैकेट स्टार्ट, जिस नंबर का स्क्वायर रूट देखना है आपको उसको सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंटर कर दीजिए। तो फोर किसका स्क्वायर रूट है, टू का। इतना समझ गए, तो आज हमने सीखे कि बेसिक मैथ आपके मैथमेटिकल या ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में के पार्ट वन में कि क्या क्या फंक्शंस आपके आते हैं, इतना आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।